बैतूल जिले के आमला तहसील के ग्राम बोरदेही बिजली विभाग की घोर मनमानी सामने आई। बोरदेही बिजली विभाग से परेशान ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग आए दिन बिजली कटौती कर रहा है, किसी प्रकार का कोई शेड्यूल नहीं बनाया जाता है। वहीं जब ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि बिजली विभाग द्वारा बिजली ऑफिस पहुंचने पर शिकायत दर्ज करने पर शिकायतकर्ताओं से अभद्र व्यवहार कर्मचारी द्वारा किया जाता है, बिजली विभाग के आला अधिकारी सुपरवाइजर अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 3 दिन से इटावा ग्राम की लाइट बंद है, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ताओं ने एवं ग्राम के सरपंच ने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज की, उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। बिजली विभाग द्वारा लाइट बार बार कटौती करने पर मोटर पंप, टीवी, पंखे जल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों ने बिजली विभाग पहुंचकर आक्रोश दिखाया। कंप्लेंट रजिस्टर में शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली विभाग के सुपरवाइजर विनोद कोकाड़े एवं अन्य लाइनमैन कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, जबकि बिजली का बिल का भुगतान सही समय पर ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद भी बिजली की कटौती रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी, वहाँ पे जो दहलवाद है, फिटर बनाया गया है 24 घंटे वाला जी, उसमें करीबन लाइट 2 से 2.5 घंटा रहती, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, और हर सेकंड में, हर प्रति सेकंड लाइट बंद होती है। कब बंद हो जाए कब नहीं कोई पता नहीं। अभी तो 2-4 दिन से लाइट परमानेंट ही बंद रहती है, आना जाना से रहता। बच्चों की पढ़ाई में जो 9-11 बजे से बच्चों की टीवी पे होती पढ़ाई, ये भी नहीं हो पाती, 5-10 मिनट कुछ नहीं, पढ़ाई का तो ध्यान ही नहीं है। बिजली वाले को फोन लगा तो बोलते कि आज कल कर देंगे, कल नहीं पहुंच कर देंगे, हो जाएगी। अच्छा, लाइन वाइन सुधरवाने के क्या पैसे भी लेते हैं क्या? नहीं, पैसे तो नहीं लिए उन्होंने अपन से। अभी बोले हम आ रहे हैं आ रहे हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई तार को जोड़ा नहीं, कोई गए नहीं, कोई स्टाफ सुपरवाइजर से मेरी बात हुई तो बोले आ रहे हैं, कल भी बात हुई मेरी तो परसों का दिन भी निकल गया, कल का भी निकल गया, आज हम लोग आए, विधायक जी से भी बात करी हमने और भलावी सर से बात करी है, तो भी अभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है, बोल रहे हैं कि जोड़ देंगे। और जो लाइनमैन है, जो फील्ड कर्मचारी, वो बोलता है कि 3 दिन बंद रहा है या 10 दिन बंद रहा है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आप सुपरवाइजर साहब को, उन्होंने मेरे सामने जवाब दिया और मेरे को फोन पे ऐसा जवाब दिया है उन्होंने। क्या नाम है लाइनमैन का? है सातनकर है। सातनकर जी है जी। और क्या कहना है अधिकारी को इस बारे में? अधिकारी का वो कहना है कि भैया जोड़ देंगे, सुधार देंगे, 3 दिन से पूरी जनता प्यासी पड़ी हुई है, ग्राम का नल जल योजना बंद पड़ा हुआ है, लाइन नहीं है, और किसानों के पंप कनेक्शन भी बंद पड़े हुए लाइन की वजह से। आप ग्राम पंचायत सरपंच? सरपंच पति हूँ जी 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 जी। मेरे साथ में कोटवार है, मेरे ग्राम के सभी नागरिक गण हैं, और मैं ये आवेदन दे रहा हूँ सातनकर को हटाने के लिए और वापस पुनः जो पहले कर्मचारी था उसको वापस लाने के लिए। डाटा चेकी का बिल है जी सर, मेरे ऊपर पहले से अनुमानित बिल लिया जा रहा था 4-4, 6-6 हजार रूपए जी, और अभी 3 महीने 3,000 रूपए 2,500 रूपए आ रहा था बिल, और अभी इस महीने 7,000 रूपए बिल दे दिया है। पोस्टर न्यूज के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।